परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि हम हमारे काम को और उस परिश्रम को भूल जाएं। याद रखिएगा, ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है जिसका उत्तर नहीं आता। लेकिन इस बात को भी याद रखिए, हर प्रार्थना का उत्तर हां में भी नहीं आता। कई बार परमेश्वर आपको उत्तर नहीं देता है, जानते हो क्यों? क्योंकि वो जानता है ये नहीं देना चाहिए उसको। यहां पर कोई भी नहीं कह सकता है वेदर मेरी कोई प्रार्थना नहीं सुनी गई। जी नहीं, एक दिन आएगा जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, वहां पर बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि क्यों परमेश्वर ने कुछ बातों का उत्तर नहीं दिया था। कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है जिसमें ऐसा लिखा गया है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न कर। क्या ऐसे हो सकता है कि परमेश्वर की परीक्षा आप करो? लोगों ने इस वचन को थोड़ा धीमे से पढ़ा है, तू अपने पर प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न कर, उसको एग्जाम में मत डाल। क्या ऐसा हो सकता है कि एक पृथ्वी पे एक मट्टी का तिनका परमेश्वर को परीक्षा में डाले? याद रखिएगा, जब आप परमेश्वर से वो मांगते हो जो आपके लिए सही नहीं है, और परमेश्वर का नेचर है दे देना, वो बच्चों को रोते हुए नहीं देखता है। कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है, उसने उन्हें मनचाहा वर दे दिया परंतु उनके प्राणों को सुखा दिया। अगर कोई भी चीज जो आपके साथ जोड़ी गई है उसने आपकी आत्मिक उन्नति खा ली है पूरी तरह से, डाउट है कि वो परमेश्वर ने दी भी है कि नहीं दी है। रिमेंबर ऑल दिस, आप समझ रहे हैं, परमेश्वर की आशीष परमेश्वर के साथ बने रहने में बनी रहती है। लेकिन जब आपको कुछ परमेश्वर देता है और आप वो आशीष लेके जैसे इब्राहिम इसहाक को लेके उससे दूर जा रहा था, वही आशीषें आपको फिर परमेश्वर से दूर भी कर देती है। इसलिए यीशु ने कहा, मेरे पिता की इच्छा यह है कि तुम फल लाओ और वो फल तुम में बना रहे, अबाइड रहे। ठीक है, बोलिए जय मसीह की। मैं 10 मिनट एक टॉपिक पे प्रीच करना चाहता हूँ, उसके बाद एक बहुत सिंपल और बहुत ही सामर्थी वचन है जो प्रभु ने मुझे दिया है। मैं चाहता हूँ लास्ट टाइम की तरह, जैसे हमने कुछ देर सिर्फ पुराने लोगों के लिए बात की थी, मैं चाहता हूँ कि आप में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, इसीलिए मैंने मीटिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सबको आगे किया ताकि आप फिट आराम से बैठ सकें, ताकि जो हम कह रहे हैं आप उनको रिसीव कर सकें। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा क्यों दिया? हाँ, आप उसे पवित्र आत्मा कहते हो, यीशु उसे सहायक कहता था कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे। क्या आप जानते हो त्रिकता का ये तीसरा व्यक्ति आपको क्यों मिला है? आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि प्रभु ने कलीसिया को पवित्र आत्मा क्यों दिया है? जिसे भी आता है प्लीज आप बोलिए। किस चीज में मदद कर समझने की? अब सुनो, आप जानते हैं जो आदमी पवित्र आत्मा से भरा हुआ है उस आदमी के अंदर एक अच्छी बात रहती है। जानते हो वो बात कौन सी होती है? वो इंसान से बहुत कम उम्मीद रखता है और उसका बहुत सारा भरोसा परमेश्वर पर रहता है। याद रखिएगा, जब आपको परमेश्वर अपने आप से भरेगा ना, आप डे बाय डे लोगों से लेस 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 उम्मीद करोगे। आप में से कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है, यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुमने किसी को भी एक कटोरा पानी पिलाया तो प्रतिफल कौन देगा? यीशु ने ऐसा कहा क्या कि जिस किसी को तुम कटोरा पिलाओगे अगर वो आपको धन्यवाद न दे तो उसको दोबारा फिर मत पिलाना कभी? Jesus never preached like that. यीशु मसीह ने कहा, तुम में से जो कोई किसी को पानी का ग्लास पिलाए वो अपना प्रतिफल कोई कभी नहीं खोएगा। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप में से कितने लोग इस वचन को जान पाए हैं कि परमेश्वर कह रहा है लोगों से भलाइयां करो पर वो तुम्हें रिवॉर्ड नहीं देंगे, ये रिवॉर्ड की उम्मीद तुम मुझसे रखो?
याद रखिएगा, अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं पर वो आपके साथ अच्छा नहीं करते, तो आज इस बात को यहां से लेके जाओ कि जब भी आप किसी से अच्छा करते हो और रिटर्न में वो आपके लिए कुछ भी नहीं करते हैं, तो उस समय इस बात को अपने आप को समझाओ, मैंने इनके लिए नहीं किया है, मैंने परमेश्वर के लिए किया है, वो मुझे रिवॉर्ड देगा। आप जानते हो जिस पवित्र आत्मा क्यों आया है, क्यों परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है, उसका एक कारण जानते हैं क्या है? हम अपने आप में बहुत बड़े हैं, वो हमें अंदर से बच्चा बनाने के लिए आया है, वो हमें अंदर से बच्चा बनाने के लिए आया है। यदि आज भी आप अपने आप में बहुत बड़े हैं, आप बच्चे नहीं हुए हैं, बच्चों का मतलब आप समझते हैं? देखिए, अगर ये मीटिंग चल रही है, एक बच्चा यहां से उठता है और ऐसे ढोलक बजाता है, माइक लेता है, परमेश्वर इस तरह का बच्चा होने के लिए आपको नहीं कह रहा है कि स्टूपिड थिंग्स करो, लेकिन जब परमेश्वर कहता है कि बच्चों की तरह बनो, इसका मतलब जानते हो क्या है? कि तुम ये बात जानो कि स्वर्ग में तुम्हारा एक पिता है, वो सारी बातों को जानता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। अब मैं काम करता हूं, मैं आपको एक पेपर देता हूं, मैं आपको एक पेन देता हूं और मैं आपको बोलता हूं परमेश्वर आपके लिए कौन है, उस पे लिखो। आप मुझे बताइए, हम में से जितने भी लोग बैठे हैं, हर व्यक्ति उस पे लिखेगा परमेश्वर मेरा पिता है, परमेश्वर मेरी चट्टान है, परमेश्वर मेरा दाता है, प्रभु मेरा ये है, प्रभु मेरा वो है। मुझे बताइए, ये आपने सब लिख दिया हेड से, लेकिन जब आप देखते हो कि आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आई है, क्या उस समय आपको ये सब बातें याद होती हैं कि परमेश्वर मेरा पिता है? जानते हो क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो पिता की तरह आप पे प्रकट नहीं हुआ है अभी तक। क्या कहा यीशु ने? हे पिता, पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र, और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और वह जिस पे पिता प्रकट करना चाहे, जिस पे पुत्र प्रकट होना चाहे। मैं जानता हूं जो भी लोग ये कन्फेस करते हैं कि परमेश्वर मेरा पिता है, लेकिन समस्याओं में उसको देखते नहीं है, मैं समझ जाता हूं इन्होंने परमेश्वर को यहां समझा है। याद रखिएगा, इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, यहां होता है रेवलेशन। बहुत सारे लोग जिसे 2x2x4 समझते हैं, वैसे ही पढ़ के समझते हैं, हाँ मेरा परमेश्वर मेरा पिता है। आप जानते हो, आप में से बहुत सारे लोगों पर परमेश्वर अंदर प्रकट क्यों नहीं हुआ है? इसका एक कारण है, हम बच्चों की तरह उसके पास नहीं गए। ये प्रभु, आप में से कितने लोगों ने किसी भिखारी को भीख मांगते हुए देखा है? जब कोई भिखारी हमारे यहां पर आता है, आप उसको क्या बोलते हो? कर्जा ले रहा है कि भीख ले रहा है? कल वापस करेगा? वो क्या बोलेगा? आज के लिए ये दे दे मुझे, मैं कोई वापस नहीं करूंगा, कल मैं फिर से आऊंगा। आप जानते हो, जो परमेश्वर के समान बच्चे हैं, उसके पास इस तरह जाते हैं। बाइबल कहती है, क्या ही धन्य है वे जो यहोवा के फाटकों में जाते हैं, वे निश्चय उससे मदद पाएंगे। लेकिन जानते हो, जो लोग बच्चे नहीं हैं, वो क्या करते हैं? सारे सोर्सेस अपनाएंगे, और जब कोई सोर्स काम नहीं आएगा, फिर परमेश्वर के पास जाएंगे। इन्हें कहते हैं बड़े लोग। लेकिन जो बच्चा है ना, मुझे बताइए, आप जब बचपन में भूखे होते थे, प्यासे होते थे, किसके पास जाते थे? सीधा मम्मी के पास। आप बोल भी नहीं पाते थे, रोते थे, मम्मी समझ जाती थी इसको मिल्क चाहिए, इसको कुछ दाल बाटी या वगैरह कुछ भी चाहिए। आपको पता है, जो बच्चे हैं वो पहले पहले परमेश्वर के पास जाते हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं अपनी समझ में, जिनके मोबाइल में कम से कम 700 लोगों के नंबर हैं, वो पहले पहले देखते रहते हैं किसको कॉल करूं, कौन मेरी हेल्प करेगा। इसे कहते हैं बड़े लोग। इसीलिए जब परमेश्वर देखता है कि अभी तक इनको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है, करने दे, करने दे, याकूब की तरह और 7 साल और 14 साल, जब ये अंदर में पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और कहेंगे प्रभु जिंदगी में थक गया हूं, तब मैं प्रकट करूंगा कि मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं आप सबसे पूछता हूं, कितना पवित्र आत्मा ने आपको बच्चे की तरह बनाया है? टेल मी। हाँ, बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने खाली दो ही उदाहरण दिए कि तुम्हें किसको फॉलो करना है। आपको पता है, बाइबल के अंदर सिर्फ दो ही लोग हैं जिनको यीशु ने, जिनके लिए यीशु ने कहा इनकी तरह बनो, एक अपनी तरह और दूसरा बालकों की नाई बनो। रीड इट, आप पढ़ सकते हैं पूरी बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने सिर्फ दो लोगों को पीछा करने के लिए कहा। एक उसने कहा मेरा पीछा करो, और दूसरी बात उसने कही बालकों के समान बनो। जब तक तुम इनकी तरह न बनोगे, तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न कर पाओगे। जब परमेश्वर आपके अंदर काम करता है, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करता है, जानते हो आप क्या करते हो? आप लेस लेस
लेस अपने आप से बाहर आ आके आ आके आप आराम आराम से परमेश्वर पे दृष्टि करना स्टार्ट करते हो, उससे प्रार्थनाएं करना चालू करते हो, आप अपनी बुद्धि की नहीं सुनते हो, इसे कहते हैं बच्चा। और आप जानते हो ये बातें करने में सबसे ज्यादा आपको कौन रोकेगा? अभी आप बिल्कुल ये मत कहना शैतान, वो कुछ नहीं करता है, वो हारा हुआ है। हाँ, उसकी सामर्थ उन लोगों में दिखाई देती है जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, जिनके लिए चर्च एक सर्कस की तरह है कि चलो चलते हैं, बहुत सारे एक्टर्स आएंगे, चलो देख के आते हैं। याद रखिएगा इस बात को, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, शैतान उनके लिए बहुत कमजोर है जो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, और शैतान उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है जो खुद से जुड़े हुए हैं, सेल्फ लाइफ से जुड़े हुए, जिनके पास माँ बाप की बुद्धि दी गई है। आप जानते हो वो कौन से दो लोग हैं जिनके लिए प्रभु ने कहा ये दोनों कैटेगरी के लोग कभी मेरे राज्य में नहीं आ पाएंगे? बताइए। एक, जो कोई बच्चों की तरह न बने वो मेरे राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा, और दूसरा उसने कहा यदि तुम धनवान का स्वर्ग के राज्य में आना कठिन है। मुझे एक बात बताइए, अगर हम में से किसी बच्चे का यहां पर जन्म ही अमीर परिवार में हुआ तो उसमें हमारी क्या गलती है? यीशु क्या बोलने की कोशिश कर रहा था? आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? प्रभु यीशु ने दो लोगों के लिए कहा कि ये मेरे राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे, एक जो बच्चों की तरह नहीं है, दूसरा जिनके लिए लिखा गया है कि धनवान का। अब मुझे बताइए, अगर यहां पर कोई ऐसा ब्रदर या सिस्टर बैठे हुए हैं, आपका जन्म ही एक अमीर परिवार में हुआ, आपको सब बना के मिला, बिजनेस मिला, मुझे बताइए इसमें आपकी क्या गलती है? याद रखिएगा, पैसा प्रॉब्लम नहीं है, पैसों के ऊपर जो घमंड है उसकी वजह से वो कभी नहीं आएगा। आप में से कितने लोगों ने ऐसे भी लोग देखे हैं जो संसार की रीति पे गरीब हैं पर फिर भी घमंडी है? जानते हो घमंड कैसे आता है? जब तक आपको कोई काम नहीं आता था आप लोगों से पूछ पूछ के हाथ जोड़ के सीखते थे मेरे को सिखाओ, लेकिन जब वो काम आपको आ गया हम लोगों से जानते हैं कैसे बात करते हैं, लीडर की तरह। पहले हम कैसे बात करते थे? याद रखिएगा, अगर आप एक जॉब करने वाले व्यक्ति हैं, जो आपके नीचे है ना, उनसे कभी बुरा व्यवहार मत करना। अगर आप ऐसा करोगे ना, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको जॉब में उठाएगा। परमेश्वर देखता है आपके व्यवहारों को कि आप किस तरह चल रहे हैं। बोलिए जय मसीह की। कितने लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? आज आपको पवित्र आत्मा पाने का एक नया रीजन मिला है कि पवित्र आत्मा क्यों आया है। वो हमें अंदर से एक बच्चा बनाने आया है ताकि हम परमेश्वर पे निर्भर रहें, उस पे भरोसा रखें, उस पर विश्वास करें। बोलिए जय मसीह की। कहिए अपने बाजू वाले से, परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा में बच्चा बनाने के लिए आया है। Yes. मैं फिर से कहता हूं, वो बच्चा नहीं जो स्टूपिड थिंग्स करता है, वह बच्चा जो परमेश्वर पे निर्भर रहता है। ठीक है।